नमस्कार दर्शकों, एस टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका। तो आज हम आए हैं पंचायत शासन में, जहां से राखी जी जो हैं वो अभी हाल ही में प्रधान पद पर आसीन भी हैं, और अब फिर से उन्होंने चुनावी मैदान में जो हैं प्रधान पद की उम्मीदवार चुनावी मैदान में फिर से उतरी हैं ये। तो हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने अभी प्रधान रहते हुए क्या क्या अपने गांव में कार्य करवाए हैं पंचायत में, और अभी आगे जो है उनकी क्या प्राथमिकता रहेगी कि क्या काम जो है वो प्राथमिकता के साथ आगे करवाएंगी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, स्टूडियो में आपका स्वागत है मैम। थैंक यू मैम। आप जो हैं अभी जो है प्रधान पद पर आसीन हैं, तो अभी तक आपने अपनी पंचायत में क्या क्या विकास कार्य जो हैं वो करवा चुकी हैं आप? मैम, जैसे कि अभी हमने जैसे सड़क का काम जो होते हैं, या फुटपाथ हैं, या नालियों के काम, एक हमारा अमरोह चौक में तलाई का काम जो कि पार्क का काम है, निर्माणाधीन चला हुआ है, और कुछ ऐसे कार्य हैं जैसे तलाई का कार्य वो भी निर्माणाधीन है, तो वो काम हम करवा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो अभी आप फिर से जो हैं चुनावी मैदान में प्रधान पद की उम्मीदवार उतरी हैं, तो आपको जो है चुनाव निशान क्या मिला है? मेरा चुनाव निशान मेज का पंखा है, टेबल फैन है। ओके, तो आपका टेबल फैन मिला है आपको चुनाव चिन्ह। तो आपका प्रचार प्रसार जो है लोगों के बीच कैसा रहा, और लोग जो हैं क्या समस्याएं जो हैं वो उठा रहे हैं आपके समक्ष? मैम, लोगों के बीच जो मेरा चुनाव प्रचार चला हुआ है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चला हुआ है, लोगों का जनसहयोग मिल रहा है, और जिससे प्रतीत हो रहा है कि वो पुनः मतलब मुझे भारी मतों से विजय बनवाएंगे, और लोग अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं कि जब आप जीत के आओगे तो हमारी कुछ ये समस्याएं आपने उनको पूरा करना है, जैसे उनका कुछ डंगे का कार्य है, या सड़क का काम है, या जैसे कई घर की समस्या है कि उन्हें घर मिलना जरूरी है, कि ऐसे पात्र हमारे परिवार हैं, तो मुझे वो अपने कार्य बता रहे हैं कि जब आप जीत के आएंगे तो हमारे ये काम आपने करने हैं। ओके, तो आप जो है मतलब अभी जो आगे क्या प्राथमिकताएं लेके चल रही हैं आप? मेरी जो प्राथमिकताएं हैं वो मूलभूत आवश्यकता है जो कि लोगों की पूरी होनी चाहिए, और जो मेरे कुछ कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं उन कार्यों को हम आगे पूरा करने की कोशिश करेंगे, जैसे कुछ रास्ते आधे बने हैं उनको पूरा करेंगे, जो रास्ते हमने सीमेंटेड बनाए उनको पेवर ब्लॉक से पक्का किया जाएगा, दो हमारे आंगनबाड़ी का कार्य है उनके लिए थोड़ी जमीन सैंक्शन करना है बाकी है, फिर उनका कार्य शुरू करवाना है आंगनबाड़ी का, और एक पार्क है उसमें थोड़ा बजट का प्रावधान इस वर्ष हमने रखा हुआ है ताकि अगर हम जीत के आते हैं तो उसको और अच्छे तरीके से विकसित किया जाएगा, एक तलाई का काम है उसको भी हमने थोड़ा रेनोवेट करना है, पंचायत का कार्य पड़ा हुआ है तो हमने जब जीत के आएंगे तो उन कार्य को पूरा किया जाएगा। तो मैम, आप हमें ये बताइए कि जैसे अभी जो है मैक्सिमम जो भी हैं पढ़े लिखे उम्मीदवार ही हैं जो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, तो आपका क्या व्यू है कि किस तरह के प्रधान जो हैं लोगों को चुनना चाहिए? मैम, जैसा कि मेरा मानना है कि अभी जो हमारे मतलब सरकार के द्वारा जैसे डिजिटल पेमेंट की जा रही है, एक सरकार जो है जनता के समक्ष ट्रांसपेरेंसी रखना चाहती है, तो प्रधान को ऐसा होना चाहिए कि वो मतलब सरकार के साथ अपने स्टाफ के साथ एक अच्छा तालमेल बिठा सके, एक मिलजुल कर एक अच्छी टीम बन सके, जिससे कि वो अपने अधिकारियों के साथ भी मिलकर अच्छा काम कर सके और जनता की समस्याओं को भी उठा सके, क्योंकि आजकल डिजिटल पेमेंट का जमाना है, ऑनलाइन हमारी परिवार नकल है, ऑनलाइन हमारे बीपीएल सर्टिफिकेट बनते हैं, बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो अधिकारियों को दी जाती है, अधिकारी हमसे क्वेश्चन करते हैं कि आपके वार्ड में या आपके पंचायत में ऐसी चीज़ें मतलब उपलब्ध हैं या नहीं है, तो ऐसी होने चाहिए प्रधान ताकि उनको जानकारी हो और एक अच्छी टीम बन सके, और ताकि अधिकारियों के साथ भी काम करना अच्छा रह सके, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे अधिकारी जो है हमारे से कई बार अच्छे पढ़े लिखे होते हैं और हमें उनके कई कामों की जानकारी नहीं हमें अच्छे तरीके से प्राप्त हो पाती है, तो अगर प्रधान पढ़ा लिखा होगा तो वो खुद उस चीज़ को वो खुद देख सकता है, ऑनलाइन खुद उस बारे में पढ़ सकता है, डिजिटल पेमेंट खुद कर सकता है ताकि वो किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो और अपनी पंचायत के कार्य वो करने में समक्ष हो। ओके, धन्यवाद मैम हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थी शासन पंचायत से प्रधान पद की उम्मीदवार राखी जी, जिन्होंने बताया कि जो भी अधर में लटके हुए काम हैं उनको वे पूरा करवाएंगी, प्राथमिकता के साथ जो है ये उनको पूरा करवाएंगी, जो भी समस्याएं हैं उनको पूरी तरह से अपनी प्राथमिकता के तौर पर वो पूरा करेंगी। तो ये थी ग्राम पंचायत शासन से राखी जी।
और एक मेरा एक संदेश है कि जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चला हुआ है, तो सभी मतलब मेरी जनता से अपील रहेगी कि जो भी उम्मीदवार आपके घर आए या उम्मीदवार आपके घर आए, तो प्लीज़ अपना जो सामाजिक दूरी और वो मास्क का प्रयोग जरूर करें और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद।